जोहिला एरिया की बंद खदानों में ना हो धनपुरी जैसी घटना, इस बाबत महाप्रबंधक ने बुलाई आपातकालीन बैठक। जोहिला एरिया अंतर्गत नरोजाबाद कोयलांचल नगरी में कोयले की बंद पड़ी खदानों में हो रही है अवैध उत्खनन रोकने के लिए महाप्रबंधक जोहिला एरिया के द्वारा बुलाई गई आपातकालीन उच्च स्तरीय बैठक। बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह सहित जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन अधिकारी और कर्मचारी भी हुए सम्मिलित। गौरतलब है कि विगत दिनों शहडोल चीला अंतर्गत कोयलांचल एरिया धनपुरी में बंद पड़ी खदान में जहरीली गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई। घटना की गंभीरता को समझते हुए 2 काल्पिक अधिकारियों के द्वारा ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा मामला भी पंजीबद्ध किया गया। धनपुरी जैसी घटना की पुनरावृत्ति नरोजाबाद कोयलांचल नगरी में न हो, इसी के मद्देनजर जोहिला एरिया के महाप्रबंधक के द्वारा एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों तथा शासन प्रशासन के लोगों को प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों को यह दिखाया गया कि कैसे बंद पड़ी खदानों से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर कोयले का उत्खनन करते हैं। बैठक में उपस्थित बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह ने कहा कि हम सभी लोगों का दायित्व बनता है कि ऐसे परिवार जो कोयले के अवैध उत्खनन में लगे हैं, लोगों को स्वरोजगार से कैसे जोड़ा जाए, इसका प्रयास हम सभी को करना चाहिए तथा शासन की चल रही हितग्राही मूलक योजनाओं पर परिवारों को कैसे मिले, इसका चिंतन भी हम जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। इस बैठक में क्षेत्र के विधायक शिवनारायण सिंह के साथ ही तहसीलदार पंकज नयन तिवारी, थाना प्रभारी नरोजाबाद डॉक्टर ज्ञानेन्द्र सिंह, नरोजाबाद नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी किशन सिंह ठाकुर, नगर पालिका परिषद के समस्त वर्तमान पार्षद जनप्रतिनिधि अशोक तिवारी व मनीष सिंह, नगर पालिका समस्त स्टाफ, CISF, SISF के साथ जोहिला क्षेत्र के समस्त विभागाध्यक्षों ने भाग लिया। उमरिया से हुकुम सिंह राजपूत, CID News मध्य प्रदेश।